मुद मंगलमय संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, महत्व इस बात का नहीं है कि हमारे पास क्या है, किंतु महत्व इस बात का है कि हम क्या हैं। हमारे पास से मतलब है धन, जमीन जायदाद, मकान, परिवार, बल, बुद्धि, विद्या, शासन, अधिकार, स्वामित्व। खूब बढ़ गया। लेकिन हमारे पास की चीजें तो बढ़ गई, हम क्या हैं, हम स्वयं क्या हैं? यदि जीवन में चरित्र नहीं है, सदाचार नहीं है, आत्मज्ञान नहीं है, तो मानो हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम कंगाल हैं। देखो दीवार पर लिखा हुआ है, धन बल जन बल बुद्धि अपार, सदाचार बिन सब बेकार। जीवन में एक सदाचार हो, ज्ञान का आचरण हो और स्वयं की परख हो, आत्मज्ञान हो, तो हमारे पास सब कुछ है। सदगुरु कबीर ने कहा है, कार्य बड़े कुल उपजे, जोरे बड़ी बुद्धि नाय, जैसा फूल उजारी का, मिथ्या लगी झर जाए। बड़े कुल में उत्पन्न होने से क्या हुआ, बड़ी बुद्धि हो जाने से क्या हुआ, यदि आत्मज्ञान नहीं है, स्वयं की समझ नहीं है, सदाचार नहीं है। तो रावण के पास किस चीज की कमी थी? अपार वैभव, अपार ताकत, बड़ी विद्या, बहुत बड़ा राज्य, बहुत बड़ा परिवार, जो कुछ आप चाहते हो कि अमुक अमुक चीज हमारे पास हो, वे सारी की सारी चीजें रावण को उपलब्ध थी। किसी बात में रावण कम नहीं था, लेकिन सब कुछ होते हुए भी रावण के पास सदाचार नहीं था, इसलिए उनका सब कुछ होना बेकार चला गया। बाहर का ऐश्वर्य बहुत ज्यादा है, किसी से कम नहीं है आदमी, यदि उज्जवल चरित्र नहीं है तो उसी प्रकार है जीवन जैसे कागज का फूल, दिखने में बड़ा खूबसूरत, मन को मोह लेने वाला, लेकिन सुगंध नाम मात्र को नहीं। तो ऐसा फूल किस काम का? इसलिए बाहरी चीजों को बढ़ाने की चिंता करने की अपेक्षा जीवन को नैतिकता से पूर्ण करने की आवश्यकता है। आदमी की पूजा किसके कारण होती है? आदमी बड़ा किसके कारण माना जाता है? जितने संत महात्मा हुए हैं, आप उनकी पूजा किस लिए करते हैं? वे बहुत धनवान थे इसलिए, ऊंची जाति जिसे आप कहते हैं वहां पैदा हुए थे इसलिए, बड़े विद्वान थे, बहुत पढ़े लिखे थे इसलिए, संतों की महात्माओं की प्रतिष्ठा, उनकी पूजा धन बल विद्या के कारण नहीं होती है, किंतु उनकी प्रतिष्ठा होती है, उनकी पूजा होती है उनके त्याग और वैराग्य के कारण। त्याग जब तक जीवन में नहीं आएगा, जीवन में खुशबू नहीं आ सकती है।
खुशबू लानी है जीवन में, चमक लानी है जीवन में, तो त्याग और वैराग को महत्व देना होगा। त्याग और वैराग को महत्व देने का अर्थ यह नहीं है कि आप घर छोड़ दें। एक स्थिति आती है जब घर छोड़ना नहीं पड़ता, छूट जाता है, जबरदस्ती छोड़ दिए तो काम नहीं आएगा। कितने लोग ऐसे होते हैं, देखा देखी घर द्वार का त्याग तो कर देते हैं, लेकिन बाहर से त्याग करते हुए भी भीतर से घर द्वार से और परिवार से चिपके रहते हैं। ये और खतरनाक होता है। एक महात्मा जा रहे थे, एक दूसरे महात्मा मिल गए, बातचीत चलने लगी। तो बातचीत के दरमियान में पहले महात्मा ने कहा, महाराज जी आपको मालूम होना चाहिए कि मैं एक बहुत बड़े घराने का बेटा हूं, मेरे पिता बहुत संपन्न थे, पचासों नौकर घर में काम करते थे, बहुत बड़ा परिवार था, बहुत जायदाद थी, लेकिन मैंने सब पर लात मार दिया। दूसरे महात्मा ने कहा, भैया लात जरूर मार दे लेकिन लात अभी चिपकी हुई है, छूटी नहीं है अभी। किसका अहंकार करते हो? हम साधु हुए हैं तो किस लिए साधु हुए हैं? अहंकार गांठने के लिए कि अपने भव रोग को दूर करने के लिए? साधु बड़े मठ के कारण बड़ा नहीं माना जाता, विद्या के कारण बड़ा नहीं माना जाता, किंतु साधु बड़ा माना जाता है अपने त्याग वैराग और निष्कामता के कारण। हमारा ये बाहर का वेश कुछ काम नहीं देगा। यदि हमारे जीवन में निष्कामता नहीं है, त्याग और वैराग्य नहीं है, तो त्याग और वैराग के अभाव में हमारा ये साधु का वेश हमें नरक में ले जाने का कारण बनेगा। वेश क्या करेगा? सद्गुरु कबीर ने कहा है, साधु किसे कहना चाहे, साहनी तो जरूर कहा है, साधु होना चाहिए पक्का होए के खेल। साधु होना चाहिए लेकिन कैसे? पक्का हो करके, जब अपने मन में वैराग की भावना हो और निष्कामता हो। यदि वैराग नहीं, निष्कामता नहीं है, तो कच्चा सरसों पेड़ के खरी भयाना तेल। कच्चा सरसों के पेड़ों के क्या निकलेगा? न तो खली निकलेगी और न तेल निकलेगा, सारी मेहनत बेकार। तो शहर साधु होने को कहते हैं, लेकिन पूर्ण त्याग वैराग से संपन्न होने के बाद। और साहब ने तो ये बताया है, साधु किसे कहना चाहिए? निर्वैरी निष्कामता साई सेती ने, बितिया से न्यारा रहे साधुन की मतिये। जो सबसे निर्वैर हो, किसी के प्रति भी मन में किंचित वैर ना हो, ये ख्याल रखना होगा हम लोगों को, हम सबको। वैर से वैर कभी शांत नहीं होता है, घृणा से घृणा कभी शांत नहीं होती है, किंतु प्रेम से वैर शांत होता है, प्रेम से घृणा शांत होती है। इसलिए सबसे निर्वैरत कौन हमारा है, कौन पराया है, और क्या लेकर के हम आए हैं, क्या लेकर के जाना होगा? जिन तुच्छ बातों के लिए हम राग द्वेष की गांठ मन में बांध लेते हैं, वे सारी की सारी चीजें यहीं रह जाती हैं, और राग द्वेष की गांठ इस जीवन में तो गढ़ती ही रहती है, उसके संस्कार जन्मांतर में भी हमें पीड़ा देते रहते हैं। इसलिए कोई हो, सुख से जीना चाहते हैं तो मन में निर्वैरत्व होना चाहिए। यहाँ यह भी ख्याल रखना होगा, साधु का मतलब जो सद्गुरु कबीर कहते हैं, तो हमारे जैसे खाली वेश वाले नहीं,
कबीर साहब की दृष्टि में तो मानव मात्र साधु हैं। जो कहते हैं कहें कबीर सुनो भाई साधु, तो खाली हमारे जैसे कपड़े वालों को थोड़े कहते हैं, श्रोता मात्र उनके लिए साधु हैं। बीजक का पहला शब्द है, पहला प्रकरण में पहला शब्द है संतों भक्ति सतोगुर आनी। इसकी व्याख्या करते हुए सदगुरु श्री पूरन साहब ने कहा है संतों कहिए श्रोता। संतों कहने का ये पहला लक्षण क्या है संत का? संतों कहिए श्रोता। जितने श्रोता हैं सब संत हैं। संतों कहिए श्रोता, संतों शांत स्वरूप, और जो अपने स्वरूप में शांत हैं वे भी शांत हैं, वे भी संत हैं। संतों कहिए जीव को निर्वारत निज रूप। जीव मात्र संत हैं, जिन्होंने अपने रूप को सत्य निर्वार लिया, अलग कर लिया, वे पूजनीय हो जाते हैं। बाकी सदगुरु कबीर की दृष्टि में सब संत हैं। तो पहला लक्षण है निर्वैरी, सबसे निर्वैरत। जितना भी वैर हम करेंगे वैर बढ़ता जाएगा और जीवन नरक बनता चला जाएगा। कोई नरक नहीं चाहता, कोई दुख नहीं चाहता, कोई अशांति नहीं चाहता, लेकिन जिससे दुख मिलता है, जिससे अशांति मिलती है, वह काम नहीं छोड़ते तो दुख से हम बचेंगे कैसे? हमें कोई दूसरा दुख नहीं देता। भ्रम होता है, हर आदमी शिकायत यही है कि अमुक के कारण मैं दुखी हूं, अमुक के कारण दुखी हूं, अमुक के कारण दुखी हूं। दूसरा कोई दुख दे नहीं सकता यदि हम दुखी न होना चाहें तो। पूरी दुनिया हमारे विरोध में खड़ी हो जाए और हम अपने मन को शांत कर लें तो पूरी दुनिया मिलकर हमें दुख नहीं दे सकती है। और पूरी दुनिया हमारे सम्मान में खड़े हो जाए, हमारे सामने हाथ जोड़े रहे और हमारा मन गंदगी में डूबा हुआ है तो उस दुनिया भर सम्मान से हमें सुख नहीं मिलेगा। सुख चाहते हैं और दुख से बचना चाहते हैं तो अपने मन की गंदगी को दूर करना होगा। जब तक मन की गंदगी दूर नहीं होगी, कितना हम प्रवचन कर लें, कितना बड़ा लेखक बन जाए, कितने बड़े गुरु महात्मा और महंत बन जाएं, सुख नहीं मिल सकेगा। ये बाहर का ऐश्वर्य, ये बाहर का टीम टाम क्या करेगा? आप लोग जानते हैं अब तो खत्म हो गया प्रचलन, इक्के का घोड़ा वाला। पहले इक्का चलता था तो इक्का वाला घोड़ा को सजाता था खूब, अब घोड़ा को सजा खूब गया है, अब घोड़ा को दाना पानी भी बराबर नहीं मिला, पेट नहीं भरा हुआ है, इक्के पर बैठा 10 सवारी घोड़े की क्या की क्या दशा होगी? इसी प्रकार मान महंति खूब बढ़ गई, बड़े गुरु बन गए, बड़े आचार्य बन गए, बड़े लेखक बन गए, बहुत बड़े मठ के महंत बन गए, और भीतर में यदि साधुता नहीं है, भीतर में ज्ञान नहीं है, जीवन में नैतिकता नहीं है, तो हम सब इक्के के घोड़ा हैं, खींच रहे हैं दुनिया को, और पेट और पीठ सटा हुआ है, भीतर मन पीड़ित अशांत तनावग्रस्त, ते बाहर चाकचिक्य क्या करेगा? इसलिए दुख से बचना चाहते हैं, सुख से जीना चाहते हैं तो अपने मन की गंदगी को दूर कर दें, मन के विकार को दूर कर दें। और जिसके मन में कोई भी कारण नहीं है उसके लिए दुनिया में कोई बैरी नहीं होगा। सदगुरु कबीर तो कहते हैं तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी फैल, अपनी फैल मिटा दे गली गली करते है। तुम्हारा बैरी दुनिया में कोई नहीं है, तुम्हारे दोष ही तुम्हारे बैरी हैं, अपने दोषों को मिटा दो, निश्चिंत होकर के निर्भय गली गली में सैर करो, कौन रुकने वाला है? वो कहानी याद करें, सुना होगा आप लोगों ने, मैं दोहराता हूं। राम और लक्ष्मण सीता ये तीनों वनवास में थे, घूमते घूमते तीनों चित्रकूट पहुंचे। राम ने लक्ष्मण से कहा लक्ष्मण अब हम लोग कुछ दिन चित्रकूट में ही निवास करेंगे, अब कुछ दिन निवास करेंगे
तो एक कुटी बनाने जरूरत होगी, कुटिया बनानी चाहिए। लेकिन ये नियम है कि कहीं कुछ दिन निवास करना, कुटी बनाना हो तो वहां के राजा से परमिशन ले लेना चाहिए, ताकि आगे कोई बाधा ना आए। तो जाओ तुम इस जंगल के राजा से आज्ञा लेकर के आओ, ताकि हम कुटी बनाएं। बड़े भाई की बात सुनकर लक्ष्मण चले राजा से आज्ञा मांगने के लिए। घूमते रहे घंटों, लेकिन जंगल में कौन राजा मिले, कोई आदमी मिला नहीं। थक गए लक्ष्मण, लौटने लगे तो देखा कि एक पेड़ पर एक मोटा ताजा बंदर बैठा हुआ है। लक्ष्मण ने सोचा तो जंगल है, आदमी मिला नहीं, अब भैया की आज्ञा है कि किसी राजा से आज्ञा लेकर के आओ। चलो कहा, मैं मान लेता हूं ये बंदर ही राजा है यहाँ के, इनसे ही आज्ञा ले लेता हूं। तो उन्होंने लक्ष्मण ने कहा, बानर राज, हम अपने बड़े भाई के साथ इस जंगल में आए हैं, कुछ दिन कुटी बना करके रहना चाहते हैं, क्या आपकी आज्ञा है यहाँ हम लोग निवास करें? तो कहते हैं लक्ष्मण की बात सुन करके उस बंदर ने एक हाथ से अपनी जीभ पकड़ी और एक हाथ अपनी पेशाब इंद्रिय और लक्ष्मण को दिखा दिया। लक्ष्मण को बड़ा गुस्सा है कि बड़ा बदतमीज बंदर है, अब मान करता है कि इसे अभी से मार डालूं। लेकिन सोचा भैया की आज्ञा नहीं है, भैया की आज्ञा बिना किसी को मारना ठीक नहीं है। आ गए लक्ष्मण। लक्ष्मण जब आए तो राम ने पूछा, कहो लक्ष्मण आज्ञा मिली? कहा भैया जंगल में कोई आदमी मिला नहीं, लौट रहा था तो एक बंदर मिला, उससे पूछा तो उन्होंने इस प्रकार से बदतमीजी की, मेरा तो मन हुआ मारने का लेकिन आपकी आज्ञा इसे नहीं मारा। तो राम ने कहा, लक्ष्मण उस बंदर ने बहुत बढ़िया बात की है, अब आज्ञा दे दी है। कहा जी, उन्होंने कहा है जो आदमी अपनी जीव को पेशाब इंद्र को संयम में रख ले, फिर कहीं कुटी बना ले, उसके लिए कोई बाधा नहीं आएगी। जीव और पेशाब इंद्री को अपने बस में करो, पूरी दुनिया में कुटी बना करके रहो, कोई तुम्हें रोकने वाला नहीं, कोई तुम्हारा बैरी नहीं होगा। और यदि ये दोनों बस में नहीं है तो जहां जाओगे वहीं मारे ही जाओगे, वहीं शत्रु मिल जाएंगे। इसलिए अपने आप पर संयम करने की जरूरत है। मन संयमित है, वाणी संयमित है, इंद्री संयमित है, तो बैरी कौन होगा? फिर बाहर कहां शत्रु है हमारा? काम क्रोध लोभ मोह जो ये शत्रु हैं, इन्हें तो हम बहुत प्यार से पाल रखे हैं। और बाहर किसी ने थोड़ा अपमान कर दिया, किसी ने कोई चीज नुकसान कर दिया, उसे हम बड़े क्रुद्ध हो जाते, उसे मारने और मिटाने पर तुल जाते हैं। कितना बड़ा अज्ञान है। अंदर के शत्रु को हम मारें, बस हमारा बेड़ा पार, जीवन आराम से व्यतीत होगा। तो निर्वैरी, सबसे निर्वैरत, निःकामता निर्वैरी कौन हो सकता है दुनिया में? जिसके मन में कोई कामना नहीं होगी। हमें हमारी कामना ही भटकाती है, हमें हमारी कामना ही रुलाती है, और हमें हमारी कामना ही भव रोग में फंसाती है। कामना ही तो रोग है। कामना जहां होगी वही अशांति होगी, वही पीड़ा होगी, और वही उलझने आएंगे। जितनी ज्यादा कामना होगी उतना व्यवहार उलझेगा, लोगों से शत्रुता बढ़ेगी और तू मैं होगा। और निष्कामता है, मेहनत करें, कोई चाहे ना कुछ, जो आपका कर्तव्य है, पिता का, पुत्र का, भाई का, पति का, पत्नी का, गुरु का, शिष्य का, स्वामी का, सेवक का, सास का, बहू का, जो जहां जिस स्थिति में है अपने अपने कर्तव्य का पालन करें, लेकिन दूसरों से कुछ चाहे ना, सेवा कर दें, प्रतिकार न चाहे, कामना न रखें, देखें आपका जीवन कितना शांत होगा। और जहां कामना चाहे किए, अमुक मेरे लिए ऐसा करे, अमुक मेरे लिए ऐसा करे, अमुक जगह जाऊंगा तो ऐसा स्वागत होगा, अमुक जगह जाऊंगा तो ऐसा खाने पीने को मिलेगा, लड़के मेरी सेवा करेंगे, पत्नी मेरी सेवा करेगी, पति मेरे लिए ऐसी साड़ी लाएगा, बस दुख शुरू हो जाएगा।
और नहीं लाएंगे तब क्रोध शुरू हो जाएगा। इसलिए साहब कहते हैं जो तू चाहे मुझको छाण सकल की आस, मुझ ही ऐसा हो रहे हो सब सुख तेरे पास। छाण सकल की आस साहब, सबकी आशा छोड़ दो, सबसे निष्काम हो जाओ। निष्कामता ही अमरता है, निष्कामता ही अमृत तत्व है। अमृत वस्तु जाने नहीं मगन भया सब लोय, कहे कबीर कामो नहीं जीव ही मरण न होए। कोई कामना ना हो तो जीव का मरण थोड़े होगा, जीव तो अमर हो जाएगा। इसलिए निष्कामता, सबसे सब समय निष्काम हो जाओ। साईं सेति ने, और साईं से अपने स्वामी से, गुरु से, इष्ट से प्रेम। गुरु के प्रति जब प्रेम बढ़ता जाएगा, गुरु जी आते होंगे तो रास्ता छोड़ना पड़ेगा, रास्ता छोड़ दें। अभी गुरु जी का कोई पैर छुएंगे नहीं, तो मैंने शुरू किया था आपके समक्ष। महत्व इस बात का नहीं है कि हमारे पास क्या है, किंतु महत्व इस बात का है कि हम क्या हैं। बाहर की चीजें बढ़ती गई और जीवन में सदाचार घटता गया, नैतिकता घटती गई, त्याग घटता गया, वैराग घटता गया, तो कुछ महत्व नहीं होता है। बाहर चीजें तो कम बेश होती रहती हैं, एक रस कहां रहती है सबके पास। जो धनी है वो गरीब हो जाता है, जो गरीब है वह धनी हो जाता है, राजा रंक हो जाता है, रंक राजा हो जाता है। आज जो करोड़पति है कल वह रोडपति भी हो सकता है, और आज जो सड़कपति है कल वह अरबपति हो सकता है। इसमें तो परिवर्तन होता ही रहेगा, एक अर्थ माया चीज की एक अर्थ रहती नहीं है। और इसके मोह में, इसके लोभ में, इसके अहंकार में हम वास्तविकता को भूल जाते हैं, अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं। जिसके लिए जीवन मिला है उस उद्देश्य को ही भूल जाते हैं। शरीर है, व्यवहार है, तो उसके लिए काम करें, मेहनत करें, वस्तुएं मिलती उसकी सुरक्षा कर उपयोग करें, लेकिन साथ साथ ज्ञान, विवेक, वैराग, निष्कामता ये सब बढ़ते जाएं, तब जीवन की पूर्णता होगी, तब जीवन का उद्देश्य पूरा होगा।